बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ पर टीचर वाद में टीचिंग्स में आपको एक नए लेक्चर के साथ आप वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो है वो हमारी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हमें जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से ये जो हमारी LEDs होती हैं, डिस्प्ले स्क्रीन की कितनी टाइप्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें हमने देखा, जिसमें कैथोड रे और फ्लैट पैनल स्क्रीन को हमने डिस्कस किया, उसको ब्रीफली हमने देखा, डिटेल्स के साथ उसको समझने की कोशिश की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंटर्स के हवाले से है, ठीक है, कि प्रिंटर्स कितने किस्म के होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, और किस तरह से वो यूज़ होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, उनका वर्क करने का मैकेनिज्म क्या है, आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन डेली मिले। एंड करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स का पता होना चाहिए, प्रिंटर्स असल में होते क्या हैं। प्रिंटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड जो है ग्राफिक्स ऑन पेपर के। आप जब आप एक चीज़ है, ये पेपर हमारे पास बुक है, ये इंटरनेट है, हमारे कंप्यूटर में क्या है, सेव है। अगर इसको हम हार्ड कॉपी लेकर आना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, जिस तरह आप बुक होती है बुक की शक्ल में पेपर वर्क ले इसको पेपर पर लेकर आना चाहते हैं, तो हमें प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी करेक्टर्स, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स। अब इसमें करेक्टर्स भी हैं, कुछ सिंबल्स भी हैं, फिर उसमें अगर कोई पिक्चर नहीं है, देखिए नीचे पिक्चर है, तो ये ग्राफिक्स इसको कहते हैं, तो ये इसके बारे से भी, तीनों चीज़ें एक ही पेपर पर अगर आप लेकर आना चाहते हैं या तीनों में से कोई एक चीज़ लेकर आना चाहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिंटर्स को इस्तेमाल करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। दे आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज के, इनको टू कैटेगरीज में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये दो इसकी क्या है वो सॉरी दो क्या है इसकी एग्जांपल्स हैं, सॉरी इसकी टाइप्स हैं। और पहला जो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड इम्पैक्ट प्रिंटर्स फ्रॉम कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्रिकिंग मैकेनिज्म सच एज प्रिंटर हैमर और व्हील अगेंस्ट एज इंक ड्रिवन लिविंग एंड इमेज ऑन द पेपर फॉलोइंग आर फ्यू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है कि जिसके अंदर एक व्हील लगा होता है, एक हैमर लगा होता है, जो कि घूमता है, जब वो घूमता है तो एक साइड से पेपर को लेकर उसके ऊपर इंक जो है वो थ्रो करता है, इंक उसके ऊपर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, एंड देन प्रिंट करके आप उसको एक साइड से अंदर लेके जाता है, दूसरी साइड से वो आपको पेपर को जो आपने कमांड दी होती है प्रिंट के लिए, वो आपके पेपर पर छाप के या पेपर के ऊपर प्रिंट होके आपके दूसरी साइड से बाहर आ जाती है, ठीक है। फॉलोइंग आर द फ्यू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की चंद जो एग्जाम्पल्स हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट कंटेन्स अ प्रिंट हेड ऑफ स्मॉल पिंस के, हेड ऑफ स्मॉल पिंस के, इसके ऊपर तमाम छोटी सी पिंस लगी होती हैं, विच स्ट्राइक एंड इंक रिबन अगेंस्ट पेपर, जो कि एक किसी भी पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती है, जिसके ऊपर इंक होती है और वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती है, उसके ऊपर कहते हैं थ्रो करती है आपकी जो इंक है, फॉर्मिंग कैरेक्टर्स और इमेजेस, जो कि आपने प्रिंट करने के लिए कमांड दी होती है उसको क्या करता है, थ्रो करता है, उसको स्ट्राइक करता है आपके पेपर पे। प्रिंट हेड्स आर अवेलेबल विद 9, 18 और 24 पिंस के, जो प्रिंट हेड्स होते हैं उनमें 9, 18 और 24 पिंस हो सकती हैं, 9, 18 या 24, इससे ज़्यादा नहीं। 24 पिंस हेड जिसमें, अगर वो हेड जिसमें 24 पिंस होती हैं, ऑफर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रिंट्स के, ये चीज़ आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रिंट आपको ये प्रोवाइड करता है। जो थोड़ा लो है, सबसे लो है वो 9 है, अगर उसके 9 पिंस होंगी, अगर 18 उसकी पिंस होंगी तो फिर कुछ मतलब ये कह देंगे नॉर्मल क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है, 9 से थोड़ा लो, 9 से ज़्यादा 18 और 18 से ज़्यादा 24। अगर आप 24 पिन वाला हेड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो पेपर की क्वालिटी है और जो पेपर का प्रिंट क्वालिटी है, प्रिंट क्वालिटी है, वो आपको अच्छी मिलती है। आगे है डेजी व्हील प्रिंटर्स। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, दिस प्रिंटर्स used as mechanism in the shape of a series of petals arranged on a petal wheel, के petal wheel होता है जिसके ऊपर ये mechanism काम करता है, एक wheel की शक्ल में mechanism होता है petal wheel, जिसे petal wheel कहते हैं, उसके ऊपर ये चीज़ आपकी ink होती है, उसके ऊपर क्या होती है ink, उसके ऊपर एक कॉटेज होता है जिसे कॉटेज कहते हैं, उसके अंदर इंक होती है, फिर जब वो जैसे जैसे व्हील घूमता है वहाँ से इंक थोड़ी थोड़ी उस कॉटेज से निकल कर उस व्हील के ऊपर लगती रहती है, देन वो आपका प्रिंट होता है। हैव ए कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ईच पेटल, ए करेक्टर कम्स टू इन टू ए प्रिंट पोजिशन बाई व्हील फिक्सेशन एंड इमेज इज फॉर्म बाई द हैमर स्ट्राइकिंग ऑन द डिजायर्ड कैरेक्टर, इट इज स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स बट बेटर इन क्वालिटी। के
जब ये चीज़ व्हील जो आपका व्हील जो है वो चल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो उसके अंदर जो इंक है वो स्ट्राइक की जाती है उसके ऊपर, उस व्हील के ऊपर इंक फेंकी जाती है, एंड देन जो आपने करेक्टर जो भी आपने चीज़ प्रिंट के लिए दी हुई है उसके ऊपर वो छप जाती है, प्रिंट होके आ जाती है। लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है, यानी ये चीज़ लिखा हुआ है इट इज़ स्लोअर दैन डॉट मैट्रिक्स, एंड डॉट मैट्रिक्स थोड़ा स्लो ही काम करता है, लेकिन क्या बट बेटर इन क्वालिटी, लेकिन इसकी क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स से बेहतर होती है, बेहतरीन होती है, ठीक है जी। आगे लाइन प्रिंटर्स, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स इज नॉर्मली यूज टू मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स, के ये ज़्यादातर लाइन जो प्रिंटर है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। इट प्रिंट्स अ होल लाइन ऑफ कैरेक्टर्स एट वंस रादर देन ए सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, के प्रिंट एक लाइन को होल पूरी लाइन को एक ही वे में एक ही दफ़ा में क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, कि इसे जो बाकी जो जितने प्रिंटर्स हैं वो अल्फाबेट अल्फाबेट एक आपको करते हैं या वर्ड बाय वर्ड आपको प्रिंट करते हैं, आपकी चीज़ को प्रिंट करते हैं, लेकिन ये जो लाइन प्रिंटर है वो एक ही बार पूरी लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। सम ऑफ दीज कैन प्रिंट अप टू 3000 लाइंस पर मिनट, कि कुछ इसमें ऐसे लाइन प्रिंटर्स की ऐसे मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे इसके नए फीचर्स हैं कि जो एक घंटे में 3000 लाइन को क्या करता है, प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। इट इज़ टू ऑफ पेजेस चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर के, इसके भी दो टाइप हैं, क्या है चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है जी। आगे जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये हो गया हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमने देख लिया, अब हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स फॉर्म कैरेक्टर्स और इमेजेस विदाउट मेकिंग द फिजिकल कॉन्टेंट बिटवीन प्रिंटर प्रिंटिंग मैकेनिज्म एंड पेपर, ठीक है। फिजिकल कंटेंट को हटा के जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस कैटेगरी, किसकी कैटेगरी की तीन किस्में हैं। सबसे पहले लेज़र प्रिंटर, इट इज़ सिमिलर टू फोटोकॉपिंग मशीन एंड इट इज़ यूज दी प्रिंसिपल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, के एक फोटोकॉपी मशीन की एक एग्जाम्पल है जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंसिपल को, उसके कानून को क्या करता है, फॉलो करता है, उसके प्रोसीजर को फॉलो करता है। दीज इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन डम्प, के डम्प पर इसकी इमेजेस को क्रिएट किया जाता है, ट्रीटेड विद अ मैग्नेटिकली चार्ज एंड के लाइक टोनर, ठीक है। इसमें टोनर होता है, ये आप ये बता देते हैं, ये देखें जी ये आपका डॉट मैट्रिक्स है, ये एक व्हील है, इसके नीचे टोनर लगा हुआ है, ठीक है। ये स्कैनिंग लाइन है, स्कैनिंग यूनिट है, इसके अंदर आपने क्या करना है, अपने पेपर को रखना है। जब जैसे ये व्हील घूमेगा, इसके अंदर ये जो कॉटेज के लिए आपने रखा हुआ टोनर, इसके अंदर कॉटेज है यानी इंक है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, ये ऊपर ये इलेक्ट्रोड है, फिर ये फोटो कापी डैम है, ये तमाम चीज़ें इसके अवेलेबल है। एंड देन आप जैसे अभी जैसे जैसे घूमता जाएगा इसी इसी तरह अभी आपकी जो इंक है इसके साथ ऊपर इसके ऊपर प्रिंट होकर आती रहेगी, जिस तरह से आपका फोटो कापी मशीन आपकी वर्क करती है, ठीक है। एंड देन ट्रांसफर फ्रॉम द डम फ्रॉम डम टू पेपर, द लेज़र प्रिंट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, के लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं, ये टेक्स्ट और इमेज की दोनों जो टेक्स्ट और जो क्वालिटी है वो हाई प्रोड्यूस कर सकती हैं, रेंजिंग फ्रॉम 300 dpi टू यानी डॉट पर इंच टू 1200 dpi, 300 dpi से लेकर 1200 dpi तक की क्वालिटी ये प्रोवाइड कर सकती हैं। इट्स स्पीड वेरीज फ्रॉम 4 to 30 टेक्स्ट ओनली पेजेस पर मिनट फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स एंड अप टू 200 पेजेस पर मिनट फॉर मेन फ्रेम, के जो मिनी कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये 4 to 32 पेजेस होते हैं, ये एक मिनट में ये निकालने की सलाहियत रखता है। और जो मेन फ्रेम है इसमें 200 से ज़्यादा पेज को ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। आगे इंकजेट प्रिंटर्स क्या है, इंकजेट प्रिंटर्स प्रेस मॉल के इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट ऑफ इंक फ्रॉम 4 nozzles थ्रू होल इन ए मैट्रिक्स एट हाई स्पीड ऑन दी पेपर, के इसमें छोटी छोटी स्मॉल इंक इंकजेक्ट होती हैं, ठीक है, जिसमें इंक भरी जाती है डिफरेंट कलर्स की, उन्हें नोजल्स कहते हैं, और वो प्रिंटर के साथ इसको अटैच होती है, ठीक है। जैसे आप प्रिंटर के साथ अटैच करते हैं और इसको आप ओके करते हैं, ठीक है, जिन्हें RGB कलर्स कहते हैं वो RGB कलर्स इसके साथ अटैच होते हैं, और फिर इसको आपको प्रिंटर में आप इसको मदद आपको मिलती है। इट इज़ चीपर कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर बट लोअर इन रेजोल्यूशन, 300 dpi टू 720 dpi, इट इज़ एंड एज स्लोअर एज 1 to 6 text only pages per minute, के ये एक थोड़ा
एक तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम है 300 से 720 डीपीआई, और जो एक मिनट में ये 6 पेजेस निकालने की सलाहियत है, क्योंकि ये कलर प्रिंट है, ठीक है, कलर प्रिंट है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं सेम बिल्कुल ऐसे प्रिंट करना चाहूँ, यानी ये डिफरेंट कलर हैं, ठीक है, ये भी आए, और फिर इसका हर एक का अपना कलर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेपर जो है वो वर्क करने के लिए टाइम लेगा, ठीक है, इसलिए ये एक मिनट में 6 पेजेस को प्रिंट करने की सलाह रखता है। इट हैज़ अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर बबल जेट प्रिंटर विच यूज मिनिएचर हीटिंग एलिमेंट ऑफ टू फोर्स स्पेशली फॉर्मुलेटेड इंक्स थ्रू प्रिंट हेड्स विद 128 टिनी नोजल्स, के इसमें 128 टिनी नोजल होती हैं, और ये एक इससे ज़्यादा बेहतर तरीके पर काम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल प्रिंटर क्या है? थर्मल प्रिंटर आर यूज टू कलर वैक्सेस, के इसमें कलर वैक्सेस यूज होते हैं, एंड टू हीट, एंड हीट टू प्रोड्यूस, एक हीट को प्रोड्यूस किया जाता है बाय बर्निंग डॉट्स ऑन द स्पेशल पेपर, के किसी भी स्पेशल ऊपर बर्निंग डॉट्स को इस्तेमाल करके आप इसको हीट प्रोड्यूस करके आप प्रिंट इस्तेमाल करते हैं। द कलर वैक्स शीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट आउटपुट, की कलर वैक्स शीट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है ब्लैक, यानी ये अगर हम ये चीज़ सिर्फ प्रिंट करना चाहें, सिर्फ ये वाली नहीं, अगर ये चीज़ प्रिंट करना चाहें तो ये ब्लैक एंड वाइट है, इसके लिए आपको ये जो कलर वैक्स है ये आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी थर्मल प्रिंटर में। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट बट इज क्वाइट एक्सपेंसिव कम्पेयर टू अदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, कि ये एक तो अच्छी क्वालिटी आपको देता है प्रिंट की, लेकिन उसके ये इसका ये नुकसान है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बाकी तमाम प्रिंटर से, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जितने भी टाइप्स हैं उससे ये ज़्यादा क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हमने प्रिंटर्स को हमने देखा कि प्रिंटर्स असल में हैं क्या। जो कल हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम प्लॉटर्स को डिस्कस करेंगे, तो कल वाला लेक्चर भी आपने मिस नहीं करना। तो इनसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। अच्छे से कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।